अहमदाबाद में युवक ने लड़की से रेप कर उसे कार में फेंका। हादसा सामने आने के बाद लोगों की रूह कांप उठी। यमन में डूबा जहाज, मकला पोर्ट पर 1100 टन क्षमता के जहाज में लगी आग, सभी नाविक सुरक्षित बाहर निकले। वडोदरा में 7 लोगों ने पिता पुत्र समेत 4 लोगों को तलवार और लोहे के पाइप से पीटा, 10 से 12 लोगों की भीड़ ने किया पथराव। जूनागढ़ के गिरनार में तेज हवाओं और बारिश के मौसम के कारण रोपवे हुआ बंद, पर्यटन गिरनार की सीढ़ियां चढ़ने को हुए मजबूर। अंजार में 2 लोग मिलकर करते थे बैटरी की चोरी, 3 लोग ने मिलकर चोरों की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रणपुर में देर रात 3 राउंड फायरिंग, नदी किनारे बैठे 3 लोगों पर पुरानी रंजिश में गोलियां चली। अहमदाबाद में आपसी विवाद को लेकर चाकू से हमला कर दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उतारा, कृष्णानगर थाने में शिकायत हुई दर्ज। राजकोट में पुलिस कर्मचारियों ने सरेआम एक ढाबे वाले को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। गांधीधाम में सांडों की लड़ाई में एक वृद्ध की गई जान, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। हलोल के पास प्लास्टिक ग्रैन्यूल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 10 दमकल कर्मियों की 10 घंटों की मशक्कत के बाद रसायन पर काबू पाया गया। हलोल पावागढ़ बाईपास मार्ग पर ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर भरते समय हुआ हादसा। बारडोली में गलतेश्वर मंदिर के पास दोस्तों के साथ तपी नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। जूनागढ़ में बिलखाना सीम क्षेत्र में 2 मजदूरों पर तेंदुए का हमला, घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवसारी में 22.80 लाख रुपए के माल के साथ गांधावी गांव में विदेशी शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए युवक। अहमदाबाद में दूल्हे की कार ने 17 आरोपियों को कुचला, खौफनाक सीसीटीवी आया सामने। वडोदरा के नारा गांव में झील में नहाने के बाद डूबा 8 साल का बच्चा, तलाश के बाद मिला शव। ऊना के समतेर गांव में कैमरे में कैद हुआ शेर का शिकार करते हुए वीडियो हुआ वायरल। संतालपुर के लोदरा बरुडा के बीच 2 कारों और बाइक की हुई टक्कर, 1 युवक की हुई मौत, 2 घायल। सोने के दामों में कोई बदलाव नहीं, सोना 61,850 रुपए तोला तो वही चांदी 74,800 रुपए तोला। शेयर मार्केट में आई बढ़ावट, सेंसेक्स 62,345.71 अंकों पर हुआ बंद।